ओम शांति। 14 अप्रैल 2024 की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 15 मार्च 1999। टाइटल है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्मा दुलार व परमात्मा प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे, तो अपने को राजा समझते हो, नाम ही है राजयोगी, तो राजयोगी अर्थात राजे बच्चे। वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे हो, अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो। अपने आप को देखो कि मैं राजा हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं। हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। राजा की विशेषता क्या होती है वह तो जानते हो ना। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, दोनों पावर आपके पास है। अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं। बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चेक कर रहे थे, तो बताओ क्या देखा होगा। अरे जानते तो है, बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकार सभी का नहीं है। अखंड बीच बीच में खंडित होता है। क्यों? सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देता है। पर राज्य की निशानी है ये कर्मेंद्रियों पर अधीन हो जाती है। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनाना। वर्तमान समय माइनॉरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। जो आदि अनादि संस्कार है उसके बीच बीच में मध्य के अर्थात द्वापर से अभी तक के अंत तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। उसमें भी विशेष संस्कार व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गवाना और व्यर्थ बोलचाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरे तरफ अलबेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वह अभी कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं, इसका कारण क्या? ये माया के वार का एक साधन है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्मा मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। सोचते हैं कि अभी तक ऐसे ही है तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई न कोई बात में जहां कमजोरी होगी उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा चलते चलते कोई न कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रख कर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। लास्ट में जब संस्कार समाप्त होने हैं, इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं, घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। आलस्य और व्यर्थ
इसमें नेगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। समझ जाओ कि माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है। बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही। साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो ये माया का वार वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। ये माया की हार है, वार नहीं है। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्यों हो गया, हिम्मत रखो। बाप के साथ को स्मृति में रखो। चेक करो कि बाप का साथ है, साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है। नॉलेज है कि बाप साथ है, नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है? ऑलमाइटी अथॉरिटी है तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव होना। अलबेले नहीं बन जाओ। बाप के सिवाय और है ही कौन? बाप है ही तो है, बाप ही तो है। जब बाप ही है तो वह पावर है। जैसे दुनिया वालों को कहते हो अगर परमात्मा व्यापक है तो परमात्मा गुण अनुभव होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं कि अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होती है, दूसरों को भी अनुभव होती है। क्या समझते हो? डबल फॉरेनर्स क्या समझते हो? पावर है, सदा है। पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर देते हैं, फिर जब दूसरा क्वेश्चन आता है सदा है तो सोच में पड़ जाते हैं। तो अखंड तो नहीं हुआ ना? आप चैलेंज क्या करते हो? अखंड राज्य स्थापन कर रहे हो या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अखंड है ना? टीचर्स बोलो अखंड है, तो अभी चेक करो, अखंड स्वराज्य है? राज्य अर्थात प्रारब्ध सदा का लेना है या बीच बीच में कट हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। ऐसे चाहते हो? लेने में तो सदा चाहिए और पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है, ऐसे? फॉरेनर्स को कहा था ना कि अपने जीवन की डिक्शनरी से समटाइम और समथिंग शब्द निकाल दो। अभी समटाइम खत्म हुआ। जयंती बोलो, रिजल्ट देंगी ना? तो समटाइम खत्म है। जो समझते हैं समटाइम शब्द सदा के लिए समाप्त हो गया, वह हाथ उठाओ। कभी कभी शब्द भी न रहे, बाबा कहते खत्म हो गया या खत्म होगा, लंबा हाथ उठाओ। वतन की टीवी में तो आपके हाथ आ गए, यहाँ के टीवी में सभी के नहीं आते। ये कलयुगी टीवी है ना, वहां जादू की टीवी है इसलिए आ जाता है। बहुत अच्छा, फिर भी बहुतों ने उठाया है, उन्हों को सदाकाल की मुबारक हो। अच्छा, अभी भारतवासी जिसका प्रैक्टिकल सदाकाल स्वराज्य है, सर्व कर्मेंद्रिया लॉ और ऑर्डर में है, वह हाथ उठाओ। पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं। सदा याद रखना कि सभा में हाथ उठाया है। फिर बाप दादा को बातें बहुत मीठी मीठी बताते हैं। कहते हैं बाबा आप तो जानते हो ना, कभी कभी माया आ जाती है ना, तो अपने हाथ की लाज रखना। अच्छा है, फिर भी हिम्मत रखी है तो हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत पर बाप दादा की मदद है ही है। आज बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर, हर कर्मेंद्रियों के ऊपर, अर्थात स्वयं की स्वयं प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए वह कम है, वह और ज्यादा चाहिए।
बाप दादा बच्चों की रूह रिहान सुन मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कहते हैं कि पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं हैं। बाप दादा ने 8 घंटे से 4 घंटा किया और बच्चे कहते हैं 2 घंटा ठीक है। तो बताओ कंट्रोलिंग पावर हुई? और अभी से अगर ये अभ्यास नहीं होगा तो समय पर पास विद ऑनर राज्य अधिकारी कैसे बन सकेंगे? बनना तो है ना? बच्चे हंसते हैं। आज बाप दादा ने बच्चों की बातें बहुत सुनी हैं। बाप दादा को हंसाते भी है, कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता, शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खड़े हो जाते हैं। नाम है मन के कंट्रोल का, लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता कभी नहीं भी होता। कारण क्या है? कंट्रोलिंग पावर की कमी। इसे अभी और बढ़ाना है। ऑर्डर करो, जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हो, क्रैक नहीं है तो उठा लेते हो। ऐसे मन ये सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है, लाना ही है। ऑर्डर करो स्टॉप तो स्टॉप हो जाए, सेवा का सोचो सेवा में लग जाए, परमधाम में चलो तो परमधाम में चला जाए, सूक्ष्म वतन में चलो सेकंड में चला जाए, जो सोचो वो ऑर्डर में हो। अभी इस शक्ति को बढ़ाओ, छोटे छोटे संस्कारों में युद्ध में समय नहीं गवाओ। आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया। कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। ये है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। तो कर्मातीत बनना है ना? बाप दादा भी कहते हैं आपको ही बनना है, और कोई नहीं आएंगे, आप ही हो, आपको ही साथ में ले जाएंगे। लेकिन कर्मातीत को ले जाएंगे ना? साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? इसने कहा साथ चलेंगे। ये तो बहुत अच्छा बोला, साथ चलेंगे, हिसाब चुक तू करेंगे। इसमें हाँ जी नहीं बोला, कर्मातीत बन के साथ चलेंगे ना? साथ चलना अर्थात साथी बनकर चलना। जोड़ी तो अच्छी चाहिए या लंबी और छोटी, समान चाहिए ना? तो कर्मातीत बनना ही है। तो क्या करेंगे? अभी अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो, रोज अपनी दरबार लगाओ। राज्य अधिकारी हो ना तो अपनी दरबार लगाओ, कर्मचारियों से हालचाल पूछो, चेक करो ऑर्डर में है। ब्रह्मा बाप ने भी रोज दरबार लगाई है, कॉपी है ना, इन्हों को बताना दिखाना। ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की, रोज दरबार लगाई तब कर्मातीत बने। तो अभी कितना टाइम चाहिए? या एवर रेडी हो? इस अवस्था से सेवा भी फास्ट होगी। क्यों? एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली। एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेगी। ऐसे नहीं समझो कि साधना में सेवा कम होगी, नहीं, सफलता सहज अनुभव होगी। और सभी जो भी सेवा के निमित्त है, अगर संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते हैं तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। तो विशेष अटेंशन कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, संकल्प समय संस्कार सब पर कंट्रोल हो। बहुत बार बाप दादा ने कहा है आप सब राजे हो, जब चाहो जैसे चाहो जहां चाहो जितना समय चाहो ऐसा मन बुद्धि लॉ और ऑर्डर में हो। आप कहो नहीं करना है और फिर भी हो रहा है, कर रहे हैं, तो ये लॉ और ऑर्डर नहीं है। तो स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ। लाना है ना? ला भी रहे हैं।
लेकिन बाप दादा ने कहा ना, सदा शब्द ऐड करो। बाप दादा अभी लास्ट में आएंगे, अभी एक टर्न है, एक टर्न में रिजल्ट पूछेंगे। 15 दिन होते हैं ना, तो 15 दिन में कुछ तो दिखाएंगे या नहीं? टीचर्स बोलो, 15 दिन में रिजल्ट होगी? अच्छा, मधुबन वाले 15 दिन में रिजल्ट दिखाएंगे? अभी कहो हाँ या ना, अभी हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया। अपने हाथ की लाज रखना, जो समझते हैं कोशिश करेंगे, ऐसे कोशिश वाले हाथ उठाओ। ज्ञान सरोवर शांतिवन वाले उठो। फिर बाप दादा ने मधुबन, ज्ञान सरोवर और शांतिवन के मुख्य निमित्त भाई बहनों को सामने बुलाया। बाप दादा ने तो आज सबका साक्षात्कार कराने के लिए बुलाया है। आप लोगों को देखकर सभी खुश होते हैं। अभी बाप दादा चाहते क्या है वह बता रहे हैं। चाहे पांडव भवन, चाहे शांतिवन, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे हॉस्पिटल, चार धाम तो है, पांचवा छोटा है। चारों में ही बाप दादा की एक आश है। बाप दादा 3 मास के लिए चारों धाम में अखंड, निर्विघ्न, अटल स्वराज्य अधिकारी राजाओं का रिजल्ट देखने चाहते हैं। 3 मास यहां वहां से कोई भी और बातें नहीं सुनने में आवे। सब स्वराज्य अधिकारी नंबर 1। क्या 3 मास की ऐसी रिजल्ट हो सकती है? तो निर्वैर भाई से पूछा, पांडवों की तरफ से आप हो सकता है? दादी तो है, लेकिन साथ में ये जो सामने बैठे हैं सब है, तो हो सकता है? किसी ने कहा दादी कहती है हो सकता है। जो पांडव भवन वाले बैठे हैं वह हाथ उठाओ, हो सकता है? अच्छा, मानो कोई कमजोर है, उसका कुछ हो जाता है, फिर क्या आप करेंगे? आप समझते हो कि साथ वालों को भी साथ देते हुए रिजल्ट निकालेंगे? इतनी हिम्मत रखते हो सकता है, या सिर्फ अपनी हिम्मत है? दूसरों की बात को भी समा सकते हो, उसकी गलती समा सकते हो? वायुमंडल में फैलाओ नहीं, समा दो। इतना कर सकते हो? जोर से बोलो हाँ जी। बाबा ने कहा, मुबारक हो। 3 मास के बाद रिपोर्ट देखेंगे। किसी भी स्थान से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलनी चाहिए। 1-2 को वाइब्रेशन दे, समा देना और प्यार से वाइब्रेशन देना। झगड़ा नहीं हो। ऐसे ही डबल विदेशी भी रिजल्ट देंगे ना? सभी को बनना है ना? डबल विदेशी जो समझते हैं अपने सेंटर पर साथियों के साथ 3 मास की रिजल्ट निकालेंगे, वह हाथ उठाओ। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, कह नहीं सकते, वह कोई है तो हाथ उठा लो। साफ दिल है, साथ साफ दिल वालों को मदद मिलती है। अच्छा, फिर बाप दादा ने सभी जोन के भाई बहनों से भी हाथ उठवाए तथा अपने स्थान पर खड़ा किया। पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक के भाई बहनों को खड़ा किया और वायदा कराया। फिर यूपी वालों को सेवा की मुबारक दी। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, सदा अखंड राज्य के पात्र आत्माओं को, सदा बाप के समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचने वाले, बाप को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा 1-2 को शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का मीठा वरदान, विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ, उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ, उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। आज का सम्मान है, मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ।
मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। विश्लेषण, जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती है उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो, उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र है, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए। इसलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने के बजाय सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त समझो। इससे और भी अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। इस सम्मान का अभ्यास करेंगे, मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। स्लोगन, कंप्लेंट के फाइल खत्म कर फाइन और रिफाइन बनो। कंप्लेंट के फाइल खत्म कर फाइन और रिफाइन बनो। आज का व्यक्त इशारा, जितना एक दो के समीप आते जा रहे हो उतना एक दो को सम्मान देते चलो। जितना सम्मान देंगे उतना सारी विश्व आप सभी को सम्मान करेगी। जितना हम सम्मान देंगे उतना सारी विश्व आप सभी का सम्मान करेगी। सम्मान देने से सम्मान मिलेगा और सम्मान देने से संस्कार मिलन भी सहज हो जाएगा। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। आज रात्रि क्लास 9:45, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और प्रातः मुरली क्लास 5:45। ओम शांति। शुभ दिवस।